आज हम बात करेंगे मेजर राजेश सिंह अधिकारी जी के बारे में। उन्हें किस युद्ध के लिए मिला था महावीर चक्र? राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को नैनीताल में हुआ था। शुरुआत से ही सेना के प्रति राजेश का जो जज्बा था वह उन्हें प्रतिष्ठा भारतीय सेना एकेडमी में ले आया और 11 दिसंबर 1993 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी भारतीय सेना एकेडमी से ग्रेनेडियर में कमीशन हुए। सन 1999 में कारगिल में युद्ध शुरू हो गया था। इसी बीच मेजर अधिकारी को कारगिल ऑपरेशन के लिए भेजा गया। उस ऑपरेशन के लिए मेजर अधिकारी अपनी कंपनी की अगुवाई कर रहे थे। तभी दुश्मन ने उन पर दोनों तरफ से मशीन गनों से भीषण हमला किया। मेजर अधिकारी ने तुरंत अपनी रॉकेट लॉन्चर टुकड़ी को दुश्मन को उलझाए रखने का निर्देश दिया और अत्यंत ही नजदीक की लड़ाई में दुश्मन के दो सैनिकों को मार डाला। इसके बाद मेजर अधिकारी ने धीरज से काम लेते हुए अपनी मीडियम मशीन गन टुकड़ी को एक चट्टान के पीछे मोर्चा लेने और दुश्मन को उलझाए रखने को कहा और अपनी हमलावर टीम के साथ एक एक इंच आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान मेजर अधिकारी दुश्मन की गोलियों से गंभीर रूप से घायल हुए। फिर भी वह अपने सैनिकों को निर्देशित करते रहे और वहां से हटने से मना कर दिया। उन्होंने दुश्मन के दूसरे बंकर पर हमला किया और वहां दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने तोलोलिंग ऑपरेशन में दो बंकरों पर कब्जा किए जो बाद में 0.4590 को जीतने में मददगार साबित हुए। अंततः वह देश की आन बान शान के लिए बलिदान हुए। मेजर राजेश सिंह अधिकारी के वीरता, शौर्य और कर्तव्य के प्रति उन्हें भारतीय सेना के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।